सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे सदगुरु जी को, गाइज उन्होंने कल एक ट्वीट किया सीबीएसई को लेकर। ट्वीट उन्होंने ये लिखा कि सीबीएसई ने जो नया डिसीजन दिया है कि जो मुगल्स के चैप्टर्स है, मुगल एम्पायर के जो चैप्टर है, वो सीबीएसई के बुक्स में अब नहीं होंगे। इसको देखकर सदगुरु जी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने बहुत बड़ी लाइन बोली और बहुत सही बोली। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो रियल फेस है, जो इंडिया की असली हिस्ट्री है, वो बच्चे अब पढ़ पाएंगे। और एकदम सच है ये, क्योंकि इतने टाइम से जो बच्चे पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर वगैरह, वो इंडिया का असली, मेरे हिसाब से वो असली पास्ट नहीं था। क्योंकि हमारे हिस्ट्री के अंदर जो हमने पढ़ा है, आज हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की स्टडी करें, हमें अब पता लगा है कि कौन थे महाराणा प्रताप, कौन थे पृथ्वीराज चौहान, कौन थे शिवाजी, कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे अशोका द ग्रेट, कौन थे राजा पोरस, और भी बहुत सारे है फ्रीडम फाइटर, उनकी हिस्ट्री आज बच्चे पढ़ पाएंगे। तो आप लोग भी सपोर्ट करते हो हमारे सीबीएसई के इतने अच्छे डिसीजन को, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस अपने फैमिली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसिंग का फिर उससे सेफ रहो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।